आउटडोर फैन मोटर स्टार्ट होता है, आउटडोर फैन मोटर रन कर रहा है बट कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके क्या रीज़न हैं? वैसे तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम तो आते ही हैं स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर में, अगर कुछ पुराना हो जाता है जैसे कि 2 साल 3 साल या फिर 5 साल पुराना हो जाता है तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली आता है कि फ़ैन मोटर रन करता है लेकिन आउटडोर का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। आज कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, एक एक फॉल्ट को मैं बताऊंगा कि आखिर कंप्रेसर अगर रन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं, कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि अगर फ़ैन मोटर चल रहा है, देखिए उसमें दो के कुछ से एसी ऐसे होते हैं जिसमें दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, एक कंप्रेसर के लिए अलग और एक फ़ैन मोटर के लिए 3 UF का या फिर 4 UF का या फिर 5 UF का एक कैपेसिटर छोटा सा अलग से लगाया जाता है, और कुछ सिस्टम में एक ही कैपेसिटर में कंप्रेसर को भी और फ़ैन मोटर को भी रन करवाया जाता है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, वो जिस तरह से दो एक कैपेसिटर होता है उसी में फ़ैन मोटर की सप्लाई दी जाती है, फ़ैन मोटर का कैपेसिटी भी रहता है उसमें, अगर अलग अलग से लगा है तो भी वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अलग हो या फिर एक में हो। तो यानी कि फ़ैन मोटर चल रहा है यानी कि फ़ैन मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ैन मोटर के कैपेसिटर को उसके सर्किट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कंप्रेसर देखना है कि कंप्रेसर रन क्यों नहीं कर रहा है। उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं जैसे कि कैपेसिटर का वीक होना, कंप्रेसर का ख़राब होना, कंप्रेसर के टर्मिनल का थिम्बल लूज होना, या फिर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट, अगर वायरिंग में कहीं कट पिट गया है कंप्रेसर का जो 3 टर्मिनल का वायर होता है अगर वह कट पिट गया है उसके वजह से भी कंप्रेसर रन नहीं करेगा, या फिर इंडोर के पीसीबी में अगर फॉल्ट है तो भी कंप्रेसर रन नहीं करेगा, यानी कि पीसीबी से जो आउटपुट निकाला है कमांड लाइन जो निकल रहा है पीसीबी से, जो कमांड लाइन निकलता है वो इंडोर के पीसीबी से ही निकलता है, पीसीबी का जो छोटा सा रिले होता है वहाँ से आउटपुट निकालता है, कंप्रेसर के सीधा कॉमन पे जाता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा हूँ प्रैक्टिकल, उस वीडियो को अगर देख लीजिए, अगर उसको समझ पाए देखिए और समझिए उस वीडियो को, अगर कंप्लीट आप देख लेंगे क्योंकि ना उसमें क्या हुआ था कि एक कंप्रेसर हमारा ख़राब हो गया था, ख़राब होने की वजह से उसे मैं रिप्लेस किया हूँ, दो वीडियो है, दोनों वीडियो को देखिए एक एक करके, पार्ट वाइज मैं नहीं बनाया हूँ, पार्ट उसमें नहीं लिखा हूँ, लेकिन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, प्रैक्टिकल में बताया हूँ किस तरह से कंप्रेसर को टेस्टिंग किया जाता है, वो कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब था, डैमेज हो चुका था, और किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, कैसे गैस चार्जिंग किया जाता है, कंप्लीट मैं बता रखा हूँ, उस वीडियो को देखिए। इसमें मैं बताऊँगा थोड़ा, मैं मैनुअली मैं इसमें बता दूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर कंप्रेसर रन नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप आउटपुट सप्लाई चेक करिए, जो कि इनडोर के रिले से जो निकल रहा है, पीसीबी से जो निकल रहा है ना, उसमें लिखा होता है VCF या फिर न्यूट्रल या फिर CES कुछ करके लिखा होता है, जो कि अलग अलग एसी में अलग अलग तरह से लिखा होता है। तो ये आपको देखना है कि कमांड लाइन कौन सा है, ये देखना है न्यूट्रल और कमांड लाइन दोनों पर आपको सप्लाई चेक करनी है इंडोर के पास, इंडोर के पीसीबी से जो निकल रहा है वहाँ पर अगर आउटपुट दे रहा है यानी कि इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है, इंडोर सही है, अब आउटपुट जो निकल रहा है उसे हम आउटडोर का जो इनपुट होता है वहाँ पर न्यूट्रल और कमांड लाइन का जो वायर होता है उस पर हम न्यूट्रल और वो कमांड लाइन पर चेक करेंगे 220 का करंट, अगर वहाँ पर जा रहा है तो समझिए जो कम्युनिकेशन का पूरा कंप्लीट वायर है इंडोर से लेकर के आउटडोर तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब आपके आउटडोर में ही कोई प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पर 220 का करंट नहीं दिखा रहा है कमांड लाइन पे और न्यूट्रल पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बीच में कम्युनिकेशन वायर, क्योंकि इंडोर से तो निकाल रहा है, अब रास्ते में कहीं ब्रेक है, पूरे वायर को आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक कहाँ पर है, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, तब आपको आसानी होगी, कम समय में आप कंप्रेसर को फाइंड कर पाएंगे कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे है, नहीं तो आप क्या करेंगे, जैसे कुछ टेक्नीशियन होते हैं जो कि सीधा क्या करते हैं, जाते हैं एक टेस्टर लेकर के जाते हैं, क्लेमीटर लेकर के जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं वहाँ पर, अगर एसी स्टार्ट नहीं हुआ,
MCB उठाए, अगर AC स्टार्ट नहीं हुआ तो सीधा वहाँ से स्क्रू ड्राइवर से टेस्टर होता है, टेस्टर से खोले और सीधा लेकर के वर्कशॉप में आ जाते हैं। अब बताइए, जो कस्टमर जानकार है ना, उनके लिए अगर कहीं फंस गए ऐसे टेक्नीशियन तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ ऐसे यूजर हैं AC के, जो कि AC के बारे में जानते हैं, किस तरह से AC रन करता है, किस तरह से वो उसमें फॉल्ट होता है, तो क्या चेक करना चाहिए। ऐसे जगह पे अगर आप फंस गए ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए फॉल्ट को अगर छोटा फॉल्ट है तो वहीं पर आप उसे सॉल्व करिए, अगर बड़ा फॉल्ट है, आपके बस का नहीं है, तो आप लेके जा सकते हैं वर्कशॉप पे। वर्कशॉप पर लेके जाने का मतलब होता है कि यूजर के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा पड़ जाता है। अगर वहाँ पर थोड़ा एक छोटा सा थिम्बल 50 पैसे का, 1 रुपये का अगर थिम्बल वहाँ पर लगाना पड़ जाए तो वहाँ पर फिर भी आपका 250-300 का बिल बन जाएगा, 500 का अगर एयर कंडीशनर है तो कम से कम 1000 का बिल बनेगा वहाँ पर वर्कशॉप पर जाने के बाद। इसलिए अगर आप कहीं फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी होता है एक थिम्बल 1 रुपये का या फिर 50 पैसे का एक थिम्बल होता है, अगर वह थिम्बल अगर जल जाता है तो उसके वजह से भी अगर उठा करके AC वर्कशॉप पे ले जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो अब आप वहीं पर लगा कर थिम्बल लगा सकते हैं और उसे कंप्रेसर को रन करवा सकते हैं। तो ये छोड़िए ये सब बातें, क्योंकि भाई कमाना तो सबको है, पेट सबके पास है, सबको खाना है, क्योंकि इसी के लिए तो फील्ड में हम उतरे हैं, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो छड़ी वो सब बातें, हम आगे बात करते हैं कि कंप्रेसर को आप कम्युनिकेशन वायर पूरा चेक करिए, अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल ही जाएगा, तो अगर कहीं फॉल्ट नहीं है तो आगे आप चेक कैसे करेंगे। आपको इनपुट मिल रहा है आउटडोर में न्यूट्रल लाइन आपको मिल गया, एक न्यूट्रल और एक कमांड लाइन पर आपको वहाँ पर सप्लाई मिल गया 220 का। अब आगे चेक करना है कि उस कनेक्टर से लेकर के कैपेसिटर से हो करके जो वायर हमारा जा रहा है कंप्रेसर पर, 3 टर्मिनल पर जो जा रहा है, हम इन्वर्टर AC की बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में कि उसे कैसे चेक करेंगे। पहले हम नॉन इन्वर्टर को चेक कर लेते हैं। इन्वर्टर AC आसान होता है चेक करना, बहुत ईजी है। पहले हम नॉन इन्वर्टर की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर से लेकर के कंप्रेसर तक जो जा रहा है 3 टर्मिनल पर 3 वायर, उसकी सप्लाई हमें चेक करनी है। बीच में कहीं वायर कहीं ब्रेक होगा, या फिर अगर कहीं भी ब्रेक नहीं है तो लास्ट में आपको जब आपको पूरा टॉप कवर फ्रंट कवर खोलना ही पड़ेगा इसके लिए। तो जब खोलते हैं तो कंप्रेसर के टर्मिनल पर चेक करिए, सब कुछ सही है, पूरा सप्लाई वहाँ तक टर्मिनल तक पहुँच रहा है, तो कंप्रेसर आपका ख़राब है, डेड है कंप्रेसर। क्योंकि सप्लाई वहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर ही ख़राब है। कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करिए, अगर टर्मिनल में फॉल्ट मिलेगा तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर गो गो करके बैठ जाता है, स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सीधा आपको टारगेट करना होता है कैपेसिटर को, कैपेसिटर चेंज करेंगे सही हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं अगर कंप्रेसर रन नहीं कर रहा है तो। अब हम इन्वर्टर AC की बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर AC में कैसे चेक करना अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो। कंप्रेसर जो PCB से जो आउटपुट निकलता है उसमें आसान तरीका होता है, जैक लगा होता है, जैक को कंप्रेसर का टर्मिनल हम निकालेंगे और वहाँ पर हमें सप्लाई चेक करनी होती है। जो IPM से निकलता है सप्लाई, वहाँ पर हमें सप्लाई एक एक करके चेक कर UBW पर चेक करना होता है। UBW पर अगर चेक करते हैं तीनों पर बराबर सप्लाई मिल रही है तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर में फॉल्ट है, अगर तीनों पर बराबर सप्लाई नहीं मिल रही है तो फिर समझिए कंप्रेसर ख़राब है। इस तरह से आउटडोर फैन मोटर को भी चेक किया जाता है, आउटडोर कंप्रेसर को भी चेक किया जाता है। अगर आउटपुट सप्लाई IPM नहीं निकाल रहा है तो समझ जाइए कि PCB में फॉल्ट है, PCB रिपेयर कराने की ज़रूरत है। अगर आउटपुट सप्लाई IPM निकाल रहा है कंप्रेसर के लिए, तीनों पर बराबर सप्लाई DC करंट निकलता है वहाँ से, तो फिर DC तीनों पर जो भी निकल रहा है एक समान निकलना चाहिए तीनों पर। जब हम चेक करेंगे UBW पर अगर निकाल रहा है तो कंप्रेसर का जो वायर होता है वो हमारा जैक से लेकर के टर्मिनल तक, उसके बीच में अगर कटा फिटा नहीं है फिर उसके बाद लास्ट में हम कंप्रेसर का टर्मिनल चेक कर लेंगे, क्योंकि सप्लाई तो निकाल रहा है ना, फिर तो कंप्रेसर रन करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो हमें सिंपल सा उसे टर्मिनल चेक करना है। अगर टर्मिनल किस तरह से चेक करना है इसको भी समझ लीजिए। इन्वर्टर AC का जो कंप्रेसर होता है उसका टर्मिनल जब हम चेक करेंगे तो उसमें UBW होता है, ना कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग नहीं होता है, इसमें UBW होता है। तो इसमें क्या होता है कि तीनों पर एक समान रीडिंग मिलनी चाहिए।
अगर एक समान रीडिंग मिल रही है और तीनों पर कंटिन्यूटी उसमें बजर बज रहा है तो समझ जाइए कंप्रेसर ख़राब है। अगर आउटपुट दे रहा है पीसीबी, उसके बाद भी कंप्रेसर रन नहीं कर रहा है तो समझिए कि कंप्रेसर का टर्मिनल ख़राब ही होगा। तो वहाँ पर चेक करेंगे तो किसी एक पर रीडिंग नहीं मिलेगी या फिर रीडिंग मिलेगी तीनों पर एक बराबर नहीं मिलेगी, किसी में कम किसी में ज़्यादा, किसी में कम किसी में ज़्यादा मिलती है तो भी कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर में। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि अगर कंप्रेसर रन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या फॉल्ट है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।